आज हम बना रहे हैं गोश्त का खड़ा सालन, और गोश्त हमें फैट वाला लेना है, चर्बी वाला, देसी घी। और जो हमने तेल लिया है वो है 400 ml, और मैं ले रहा हूँ 1 किलो गोश्त लिया है मैंने, और इस रेसिपी में 1 किलो स्लाइस प्याज है, और यही खूबी है इस रेसिपी की, और इसे हमें भुनना है। 1 किलो गोश्त और 1 किलो प्याज पे खड़ा सालन बन रहा है। गौर से देखिए, प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया है और इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन भुनना है, और ध्यान रखिएगा कि साइडों में लगे तो उसे भी छोड़ा लें। प्याज हमारा अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम मिला रहे हैं यहाँ पे 40 ग्राम कटा हुआ लहसुन और 40 ग्राम ही अदरक, इसे भी साथ में भून लेंगे। अब हम डाल रहे हैं 25 ग्राम साबुत धनिया, 9 लाल मिर्च, इसे भी साथ में भूनना है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ, दालचीनी के 3 टुकड़े, 5 हरी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 10 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और 4 मोटी इलायची। अब हम मिलाएंगे गोश्त, और गोश्त हमने चर्बी वाला लिया है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मिलाते हैं स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से चला लीजिए। बहुत अलग तरह की रेसिपी है ये, और बहुत ही स्वादिष्ट बन के निकलता है। मटन में नमक डल गया है और मटन अब अपना पानी रिलीज करेगा, तब तक हमें इसे पकाना है। सालन मीट की करी को बोलते हैं, और यहाँ पे जो बन रहा है वो खड़े मसालों का सालन बन रहा है, यानी मीट के साथ साथ खड़े मसाले डले हैं और उससे स्वाद निकल के आने वाला है। 15 मिनट का समय हो गया है इसे भूनते भूनते, और हल्का पानी भी रिलीज़ किया है इसने। अब इसे हम दम पे पकाएंगे, और पकाने से पहले मैं डाल रहा हूँ गर्म पानी, 750 ml पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं खड़े मसालों का सालन कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें 300 ग्राम टमाटर हम डाल देंगे। टमाटर को हमने वेजेज में काटा है, 1 टमाटर के 4 हिस्से कर लीजिए, और 4 हरी मिर्च, साबुत भी डाल सकते हैं और ऐसे स्लिट करके भी डाल सकते हैं। अब लगाते हैं हम ढक्कन, रखते हैं ऊपर एक प्लेट, और अब हम ढक्कन को खोलेंगे कम से कम 30 से 35 मिनट बाद। वेट हटाते हैं, ढक्कन खोलते हैं, और ये देखिए इसकी रंगत देख सकते हैं, मीट अच्छी तरह से गल गया है। अब हमें थोड़ा पानी सुखाना है, तो हम इसे अब ढकेंगे नहीं, और इसे पानी को सुखाने के लिए थोड़ा सा आँच को कम कर देते हैं और पकाते हैं। ये देखिए खड़े मसालों का सालन, आइए सर्व करते हैं। इस डिश के लिए प्रोटिप ये बनता है कि अगर आप इसमें थोड़ी सी दही मिला दें और थोड़ा पानी और डाल दें, थोड़ी ग्रेवी छोड़ दें, तो आप इसे स्टू भी बोल सकते हैं।